बीजेपी में जा रहे हैं अजय राय, क्या होने वाला है कोई बड़ा खेल? ऐसी खबरें फैलाने वालों को अजय राय का मुंह तोड़ जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजनीति में अक्सर अफवाहें उड़ती रहती हैं या फिर उड़ाई जाती है। ऐसी ही एक अफवाह उड़ाई गई कि यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और बनारस से प्रत्याशी अजय राय बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। ये अफवाह आग की तरह राजनीतिक गलियों में फैलने लगी। जगह जगह से खबरें आने लगी कि अजय राय अब बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ के बाद ऐसी खबरें और तेजी से फैलने लगी हैं कि कांग्रेस के कद्दावर नेता पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। लेकिन अजय राय ने ऐसी अफवाह उड़ाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। जी हां, जैसे ही खबर सामने आई कि अजय राय बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, अजय राय ने एक्स सोशल मीडिया पर इस बारे में साफ साफ बात की और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। एक्स सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर करते हुए सबसे पहले क्या कैप्शन दिया है वो आपको बताते हैं। मैं फिर कहूंगा, भाजपा के लोग भ्रम में ना रहें, काशी में लड़ाई चौकस होगी और चोचक होगी। तो एक वीडियो शेयर उन्होंने किया ये कैप्शन देते हुए और बताया कि बीजेपी ने किस तरीके से अफवाहें इस तरीके से फैलाई जा रही हैं जगह जगह पर कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और बीजेपी की कलाई उन्होंने इस वीडियो में खोल दी। इसी के साथ साथ अजय राय का ये भी कहना था कि देखिए, कांग्रेस में उन्हें मान सम्मान दिया गया है और जीवन पर्यंत वो कांग्रेस में ही रहेंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनिए। ये पार्टी पूरी तरीके से केवल और केवल लोगों के राजनीतिक चरित्र पर, सामाजिक चरित्र पर केवल और केवल कुठाराघात करती रहती, हमला करती रहती है। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, जीवन भर करते रहेंगे। और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी ने जो सम्मान, जो प्यार हम सबको दिया है, वो जीवन पर्यंत उसको हम लोग कभी भी वो कर्ज नहीं उतार सकते, कभी भूल नहीं सकते। और निश्चित तौर से मैं अपने काशी के लोगों से आग्रह करूंगा कि इस बार जो मैंने पहले कहा था कि लड़ाई चौकस होगी, तो हर लड़ाई चौकस होती जा रही है, चौचक होती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई है, डरी हुई है कि अब 2024 में क्या होने जा रहा है। इस बार 2024 में पूरे देश के अंदर बनारस का जो एक संदेश जा रहा है, पूरे इस बार बनारस के अंदर इतिहास लिखने जा रहा है और बनारस के अंदर फिर वही पुनरावृत्ति होने जा रही है जो काशी के हमारे लाल ने पूरे देश के अंदर डंका बजाकर किया था, वही डंका इस बार काशी के अंदर बजने जा रहा है। जय हिंद, जय कांग्रेस। तो सुना आपने, अजय राय ने ऐसी बात को खारिज कर दिया और बताया कि बीजेपी कैसे अफवाह फैलाती है। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि राजनीतिक गलियारों में आखिर ऐसी अफवाह फैली तो फैली कैसे, क्योंकि अजय राय कांग्रेस के हैं और उनका हमेशा से हमने देखा है कि कांग्रेस की राजनीतिक घटनाक्रम में उनका योगदान होता है। हर प्रदर्शन में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और चूंकि वो यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट वो चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसी खबरें हैं कि इससे डरकर हो सकता है ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हो। क्या बीजेपी चला रही है एजेंडा? अजय राय के बीजेपी में जाने की किसने उड़ाई अफवाह? क्या हार की वजह से गढ़ी जा रही है कहानी, या फिर अजय राय को देना चाहती है कोई ऑफर? अब जब अजय राय मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में है तो हो सकता है कि डर से अजय राय को कोई प्रलोभन देने की कोशिश करने की फिराक में बीजेपी हो और ऐसी अफवाहें इसलिए फैलाई जा रही हो। लेकिन बीजेपी भूल जाती है कि सच्चा सिपाही कभी बिकाऊ नहीं होता। अजय राय बनारस से लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भर रहे हैं तो हो सकता है कि ऐसी अफवाहें राजनीतिक गलियारों में फैलाई जा रही हो। लेकिन जिस तरीके से अजय राय ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।